अफजल खान जो है के पास जो 63 जो पत्नियां थी, अफजल खान की जो है 63 जो है वाइफ थी, 63 पत्नी थी। हाथ उठा के देख लियो लिखा सुनहरी अक्षर में, जो है कि 10 प्रतापगढ़ के युद्ध में जो है, प्रतापगढ़ का युद्ध जो है 10 नवंबर 1656 में हुआ था। तो आदिल शाह जो है कि दबाव में जो है उसके लिए सेनापति कौन था आदिल शाह का, जो है अफजल खान। अफजल खान कौन था? आदिल शाह का जो है सेनापति था। तो शिवाजी और जो मराठा जो है साम्राज्य के थे, तो उनके बीच जो है युद्ध हुआ था कब, 1658 की जो है में, 1658 में युद्ध हुआ है। उससे पहले की बात है, 1658 की पहले की बात है, एक ज्योतिषी जो है कि भविष्यवाणी कर दी, कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दिया कि आप जो है कि युद्ध से जो है दोबारा वापस नहीं आएंगे। ज्योतिषी ने क्या कर दिया? भविष्यवाणी कर दिया। ज्योतिषी ने जो है क्या कर दिया? भविष्यवाणी कर दिया कि जो है आप युद्ध से वापस नहीं आएंगे। उनकी पत्नियों को अफजल खान की पत्नियों की संख्या कितनी थी? अफजल खान की पत्नियों की संख्या कितनी थी? 63 थी। अब उसने जो है क्या किया, उसने सोचा कि जो है मेरी 63 जो है पत्नियाँ हैं, वाइफ है, उन जो है 63 जो है वाइफ पत्नी को जो है क्या काम किया कि जो है कि तलवार, कुछ को तलवार से कटवा दिया, कुछ को जो है कुओं में जो है रख दिया, जो है कि युद्ध से जाने से पहले, युद्ध के जाने से पहले क्या कर दिया, कुछ को जो है कुओं में ढकेल दिया, कुछ को जो है तलवार से कटवा दिया। 63 पत्नी, जो बहुत ही जो है रोचक जो है जानकारी है इतिहास की, इसमें जो है कि क्यों जो है दफना दिया, क्यों कटवा दिया, इसका भी एक सुन लो जी रिजा। उसने इसलिए जो है कि डर के कारण जो है कटवा दिया, मैं तो जो है कि भविष्यवाणी हुई कि मेरे जो है क्या 63 जो है पत्नियों की जो है 63 जो है पत्नी है जो है मेरी, और उसने भविष्यवाणी कर दिया कि जो है कि जो सीने की जो है मैं वापस जो है युद्ध में नहीं आऊँगा, वापस मैं जो है युद्ध में नहीं आऊँगा। तो उसने जो है कि अपने सभी जो है सोचा कि जो है कि पत्नियों को मार दूंगा, तो जो दोबारा शादी नहीं किसी और के साथ करेगी, गजब जो है बात है। उसने इसी के प्यार के कारण जो है मैं तो दोबारा वापस आऊँगा नहीं, और जो है सारे सारी पत्नियों को जो है उसने मरवा दिया, काट दिया, अपने हाथों से काट दिया, कुछ को जो है कुएं में ढकवा दिया है और मरवा दिया, ताकि जो है दूसरा शादी ना कर पाए। 63 पत्नियाँ थी, बहुत ही जो है रोचक बात है। आज 63 को मरवा दिया, और जो है अंत में जो है ये जो 63 जो है जो पत्नियों को मारा, जो है उसे 60 समाधि के नाम से जानी जाती है। कैसे के नाम से? 60 समाधि, 60 समाधि, 60 समाधि के नाम से जानी जाती है। जो है पत्नियों को मार के वहाँ पर जो आज भी कब्र जो है, जो कब्र है उस कब्र को जो है 60 समाधि के नाम से जाना जाता है, 60 समाधि के नाम से जाना जाता है। और ये 60 समाधि कहाँ पर है स्थित, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। 60 समाधि जो है, 60 समाधि जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के सतारा के पास है, सतारा से थोड़ा दूर है, सतारा के ही आसपास है जो 60 समाधि है, वो महाराष्ट्र के है सतारा में जिला में जो है पड़ता है, ठीक है बात के लिए। और अंत में जो है क्या होता है, शिवाजी ने उसे है, शिवाजी ने उसे है अफजल खां को, अफजल खां को जो है क्या कर देते हैं, अंत में जो है चाकू जो है खंजर जो है अंत में जो है शिवाजी जो है मारी देते हैं, अंत में जो है अफजल खां की मृत्यु हो जाती है। तब तक के लिए जो है बस इतना जो है, और जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए।